यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बड़ी खबर बाराबंकी से। एसपी ने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है। अवैध ड्रग्स में फंसाने की पुलिस वालों ने धमकी दी थी। एक युवक को पुलिस ने धमकी दी थी। युवक से पुलिस वालों ने लाखों रुपए वसूले थे और अब सभी आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ हैं। विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाराबंकी में एसपी ने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल इन पुलिस वालों ने अवैध ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी एक युवक को दी थी। युवक से पुलिस वालों ने लाखों रुपए भी वसूल लिए थे। और अब सभी आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ हैं। विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाराबंकी में एसपी ने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल इन पुलिस वालों ने अवैध ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी एक युवक को दी थी। युवक से पुलिस वालों ने लाखों रुपए भी वसूल लिए थे। और अब सभी आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ हैं। विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाराबंकी में एसपी ने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल इन पुलिस वालों ने अवैध ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी एक युवक को दी थी। युवक से पुलिस वालों ने लाखों रुपए भी वसूल लिए थे। और अब सभी आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ हैं। विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाराबंकी में एसपी ने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल इन पुलिस वालों ने अवैध ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी एक युवक को दी थी। युवक से पुलिस वालों ने लाखों रुपए भी वसूल लिए थे। और अब सभी आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ हैं। विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाराबंकी में एसपी ने 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल इन पुलिस वालों ने अवैध ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी एक युवक को दी थी। युवक से पुलिस वालों ने लाखों रुपए भी वसूल लिए थे।